आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये आपका त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर कितना है? पार्ट नंबर आपका 5 है। और एक बात, 4 पार्ट जो मैंने आप सभी को करवाया है, एक एक कर उसका वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। हालांकि मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अब आपको मन कर रहा होगा कभी कभी, भैया चैप्टर पढ़ते ही नहीं है। अब देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप बोल सकते हो ना, 70% जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और एक बात, अभी आपको मन लग रहा है भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये तो आप बिल्कुल भी मत बोलना। अगर आप बोल रहे हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तो अगर आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि जब फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो मैं हर एक पार्ट में क्या बोल रहा हूं, मैं मानकर चल रहा हूं कि जो क्लास 2 में पढ़ता है ना, वो बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, उसको समझा रहे हैं। अगर उसको समझ में आ रहा है तो जितने भी तैयारी कर रहे हैं, 100% मतलब 100% लोगों को समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि आप टाइम देना नहीं चाहते हैं। अगर टाइम नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, तो वो तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर आप 4 पार्ट देखो, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं बच्चों की तरह। उसके बाद अगर कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा, तब बोलना भैया मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। अगर आप मेहनत करके चारों पार्ट देखें तो आप बोलेंगे भैया मजा आ गया, भैया एक एक पार्ट जो है ना वो गंगा जी के पानी की तरह बिल्कुल पवित्र है। ये 5 नंबर पार्ट है, चारों पार्ट देख लेना। जो 2-3 साल से आपको समझ में जो चैप्टर नहीं आ रहा था, उसका सूखा जो है ना, इस बार कम से कम खत्म कर दे रहा हूं लॉकडाउन के बीच में। ठीक है ना, तो क्लास स्टार्ट करवाते बिना देरी किए हुए। और आपको फोर्थ क्लास में 3 आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट है, ट्रिगो का जान है, जो बोल सकते हो जान मतलब लीवर है, हार्ट है, आप बोल सकते हो एक तरह से। क्या क्या बताया था मैंने आपको, एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं आपको। मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके ऊपर कुछ सवाल भी मैंने आपको करवाए थे पार्ट 4 में ही। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, 1 + tan² θ बराबर क्या होता है। तो आपको मैंने, और एक बात, एक चीज और याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था sec² θ, और मैंने आपको क्या बोला था, 1 + cot² θ बराबर क्या होता है, cosec² θ। मैंने आप सभी को बताया था ना। और इसको अगर आगे लेकर जाएंगे तो tan को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, sec² θ - tan² θ बराबर 1, और इसको इधर लेकर जाएंगे तो cosec² θ - cot² θ बराबर 1। और एक बात, ये जो ऊपर वाला तो आपका जान है ही, ये तीनों त्रिकोणमिति का जान है। और एक बात, इसके ऊपर जितना भी सवाल मैं आप सभी को पार्ट 4 में करवाया हूं, ये मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इतना तो आप समझ जाएंगे कि भैया जितना भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन रहा है, जितना भी प्रश्न, जितना भी कंसेप्ट जो बोल रहे हैं ना भैया, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जितना भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन रहा है, ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है हमें सेम क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनेगा। तो बस कुछ अंतर है नहीं, टेन स्क्वायर थीटा सेक है और कॉट सेक, फॉर्मूला दोनों का दोनों सेम है। बस क्वेश्चन में जहां पर मैं आपको टेन सेक करवा रहा हूं, वहां एग्जाम में कॉट और कॉसेक मिलेगा, सेम है ना। तो अगर मैं जो भी पार्ट क्लियर करवा रहा हूं इसको लेकर, ऑटोमेटिक समझ जाना जो भी क्वेश्चन यहां पर मैं करवा रहा हूं, सेम क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनेगा, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, तो उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं और आगे बढ़ता हूं। उसके पहले 2-3 चीज समझिए, बहुत जन को रैशनलाइज करने नहीं आता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं आता है, मैं मानकर ही चल रहा हूं कि क्लास 2 के बच्चे को सिखा रहा हूं, तो मुझे सब कुछ सिखाना है। अगर मैं बोलूं आप सभी को एक बात, 1/2 + √3 है, इसको आप सभी ना रैशनलाइज करो,
अगर आप इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अगर एग्जाम में ये चीज दिया गया है और इसको आपको रेशनलाइज करना है, तो मैं इनडायरेक्टली एक बात बोलूंगा, इसका चुपचाप आप क्या कर दो। देखो ध्यान से, ये चीज दिया गया है और मैं डायरेक्ट आता हूं यहां पर, उसके पहले समझाऊंगा कैसे ये आया, हालांकि यही आएगा। अगर मैं इसको एक बार में लिखूं तो 2 - √3 हो जाएगा, सीधे सीधे ये चीज हो जाएगा, कुछ नहीं है। अगर आपके एग्जाम में दिया गया है 1 - 7 + 4 √3, तो इसको मुझे अगर सीधा लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, 7 - 4 √3। अब भैया इस चीज को डायरेक्ट हम ये कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये कैसे लिखेंगे, थोड़ा हमें ये बताइए। तो ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, इसको हम डायरेक्ट ये चीज कैसे लिख सकते हैं, पहले आप ये समझो। देखो एक बार, अगर ये चीज दिया गया है तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर में 2 √3 माइनस, ऊपर में माइनस तो नीचे में भी माइनस, ठीक है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसका गुना 1 से करेंगे तो क्या बचेगा, थोड़ा ब्लू पेन में इस्तेमाल करता हूं, इसका गुना ऊपर वाला का करूंगा तो क्या बचेगा, 2 - √3। और नीचे में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला चीज, ये क्या है भैया, एक बार ध्यान से सुनो, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे a + b होता है और a - b होता है भैया, ये होता है ना, ये होता है कि नहीं होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल होता है, a² - b² = a + b a - b। तो इसको हम a + b मान लिए और बीच में गुना ही तो है, और इसको मान लिए a - b, इसका मतलब ये हुआ, ये 2 हमारा a हो गया और ये √3 क्या हो गया हमारा, b हो गया। तो जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2² = 4 और √3 को 2 बार गुना करते हैं तो 1 3 बनता है, यानी -3। तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया 1 हो जाएगा। तो इस चीज को, जो ये चीज दिया गया था, इसको एक बार में ये चीज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूं एक बार, ताकि और आपका क्लियर हो जाए, इसको क्या कर सकते हैं। तो यहां पर प्लस है, अगर यहां पर प्लस है तो ऊपर में क्या करेंगे, 7 - √3, नीचे 7 - 4 √3। अब ऊपर में क्या बचेगा, ये बचेगा और नीचे 7 - 7 = 49 और 4 - 4 = 16 और 2 - 3 बन जाएगा 1 - 3, तो 16 - 3 = 48। तो नीचे में क्या बचेगा, 1, तो ये लिख सकते हैं। और एक बात, ये चीज तो आप समझे ही समझे, अब एक चीज और समझिएगा आप सभी जो भी मेरे भाई बहन हैं। अगर मान लो आप सभी के एग्जाम में दिया गया है 2 - √3, अगर ये चीज दिया गया है तो क्या करेंगे, बस पलट देंगे और इसको +√3 कर देंगे। पहले माइनस था, पहले प्लस था तो माइनस किए थे, अभी माइनस है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लस करेंगे, इसको भी मैं समझा दे रहा हूं। तो ऊपर में क्या करेंगे, अब +√3 और नीचे 2 + √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में बचेगा, नीचे 2 - 2 = 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 1 - 3 = 4 - 3 ये। यानी कहने का मतलब ये है हमारा, अगर नीचे माइनस हो तो यहां पर प्लस आता है, और यहां पर अगर प्लस हो तो सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आया ना कि नहीं आया, एक बार क्लियर करिएगा। दूसरी बात आप एक चीज और समझिएगा, मान लो आप सभी के एग्जाम में दिया गया है 4 - 2 √3, ये चीज दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भैया, सेम चीज है भाई, सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये रहेगा, यहां पर ये माइनस है तो मैंने आपको रेशनलाइज करना तो सिखा दिया होगा, यहां माइनस है तो क्या होगा, 4 + 2 √3, नीचे 4 + 2 √3। अब यहां पर ऊपर में तो ये उतरेगा ही उतरेगा, 4 - 2 √3, लेकिन नीचे में इस बार 1 नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, 4² करेंगे 16, 2 * 2 = 4 और 1 = 3, यानी 16 - 4 = 12, यानी इसका जो है ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा। एक बार आप सभी क्या करिएगा ना, रैशनलाइज करने से पहले
अब देखो जैसे मैंने आपको बताया ये 2 - √3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट 2 + √3। ये डायरेक्ट आपने क्यों लिख दिया, आपने देखा 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 1 और 4 - 3 1 अगर अंतर 1 आता है तो सीधे सीधे पलट कर ये लिख देंगे, अगर अंतर 1 नहीं आता है तो जब पलटेंगे तो प्लस होगा ही होगा, नीचे का स्क्वायर लेस कर देंगे। लेकिन जैसे यहां पर नीचे में -1 नहीं आ रहा था, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 बनकर 1 3 बन गया, तो 2 × 4 = 12 यानी 16 - 12 = 4। ये चीज आप सभी समझ गए होंगे जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया है, ये बहुत काम आने वाला है मैथ में। हालांकि जब बेसिक मैथ मैंने आप सभी को पढ़ाया था ना तो ये चीज बताया था, लेकिन एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि मैं मान कर चल रहा हूं कि आप सभी को कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। चलो देखो एक बार और आप ध्यान से इसको मिटाते हैं। अब यहां पर थोड़ा आप ध्यान से थोड़ा देखना, मान लो ना, आप मान कर चलो आप सभी को दिया है sec θ + tan θ = 2 + √3 और आपको एग्जामिनर बोल क्या दिया है, आपको बोला है sec थीटा, अच्छा ये नहीं बोला है, मान लो ये नहीं बोला है, ये नहीं बोला है, और आपको सीधा सीधा जो एग्जामिनर है बोला है sec थीटा का मान बताइए और tan थीटा का मान बताइए। अब बोलेंगे भैया हम लोग तो फंस गए बुरी तरह, अब तो भैया हम लोग बुरी तरह फंस गए, करें क्या। अब चार पार्ट देखो इसके पिछले वाला पार्ट, आप बोलेंगे भैया बताने का जरूरत ही नहीं है, आप बोलेंगे भैया बताने का जरूरत ही नहीं है, आपने चार पार्ट में पानी के तरह क्लियर कर दिया था, हम लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। आपने बताया था जब इतना दिया हो और आपसे sec tan पूछ दे तो दिमाग में क्या आता है हमारा, आपने बताया था sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, इसका ठीक उल्टा यानी 1 - √3, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल बताए थे, अच्छा नहीं इसको उल्टा करें क्या होगा, ये हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 1 / 2 + 3। लेकिन एक चीज यहीं पर समझना, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, जब उल्टा होगा भाई तो ये क्या हो जाएगा। देखो एक बार, आपको मैंने बताया था जब इतना दिया हो एग्जाम में और आपसे ये पूछ दे साइन थीटा पूछ दे, कॉस थीटा पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आप चुटकी में आंसर निकाल कर बोलेंगे ये होगा, ध्यान से। तो आपको जब इतना पता है तो मैंने नीचे में स्टेप बताया था, माइनस करते वक्त इसका उल्टा कर देंगे 2 + √3 और इसको रेशनलाइज करते हैं तो क्या होता है, ये चेंज होकर क्या हो जाता है 2 - √3। और आपके पास अगर ऐसे दिया हो तो याद करो कल मैंने आपको एक बात बताया था, क्या बात बताए थे भैया, आपने भैया बोला था अगर a + b, a - b दिया हो, मान लो ये 8 है और ये 4 है, तो a का मान कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं 12/2 करते हैं 6 आता है, b कैसे निकालते हैं, इस दोनों को घटाते हैं 8 - 4, 4/2 आएगा, ऐसे a b निकालते हैं। तो हमारे पास अगर ये चीज दिया है तो आपको इतना नहीं सोचना है, आपको देखना क्या है, अगर दोनों का अंतर 1 आ रहा है, अंतर 1 आएगा, अगर स्क्वायर करेंगे, अगर वर्ग करेंगे तो दोनों का अंतर तो 1 आएगा ना। देखो एक बार, अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 - 3, तो अंतर तो 1 ही आ रहा है। अगर अंतर 1 आए, अगर कभी भी अंतर 1 आए तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे बोलना है भैया sec का मान 2 होगा और tan का मान भैया √3 होगा। अगर कभी भी अंतर 1 आता है तो हम क्या बोलेंगे, sec का मान भैया 2 होगा, tan का मान ये होगा। अब सवाल तो क्लियर हो गया आप सभी का, अगर sec का मान 2 है और tan का मान √3 है, sec का मान
टू है और इसका मान अंडर रूट थ्री है, तब तो आसान है ना। यहां पर क्या कर सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा आपस में, जब प्लस करेंगे तो कट जाएगा, यहां क्या उतरेगा चार, चार बट्टा दो करना है तो क्या हो जाएगा सेक का मान दो हो जाएगा। क्लियर क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर क्लियर। जब दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये दो दूनी चार, देखो दोनों को जोड़े चार बट्टा दो करेंगे दो हो गया। किसी को डाउट है क्या इसमें, किसी को डाउट है? अब आपके माइंड में आएगा भैया हमें ये बताइए इसका मान क्या हो सकता है, तो मैं बोलूंगा बाबू कुछ नहीं होगा। अगर इसका मान अगर हम पता करें tan थीटा का मान क्या होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस का मतलब आपको पता है, जब माइनस करेंगे ना भैया तो ये दोनों आपस में कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये क्लियर है ना, ये माइनस करेंगे ये प्लस तो प्लस प्लस हो जाएगा, यानी दो अंडर रूट तीन और नीचे दो आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस करेंगे दोनों में से तो बट्टा दो करना पड़ेगा ना। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़कर क्या बनाएगा दो अंडर रूट थ्री और बट्टा में दो करना है तो ये दो दो कट जाएगा। तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, इतना नहीं लिख सकते हैं, बताओ आप क्लियर। अब मान लो आप सभी को ये चीज तो समझ में आ गया, अब मान लो आप सभी से एग्जामिनर अगर एक चीज पूछ दे, अगर एग्जामिनर आपसे एक चीज पूछ दे बाबू एक बात बताइए हमको साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आपको पता है भैया साइन थीटा पता है क्या होता है, लंब बटा कण होता है, लंब बटा कण होता है, और आपको पता है, आपको पता है लंब क्या है, आपको दिखाई दे रहा है सेक का मतलब क्या है आपका। यहां पर अगर मैं देखूं एक फॉर्मूला और था आप सभी का, कहां पर गया, अगर मैं बोलूं साइन थीटा पी बाई एच और आपको सेक पता है अगर टू है तो सेक क्या होता है एच होता है, सेक में एच आता है तो यहां पर क्या हो जाएगा से अंडर रूट थ्री बाई टू, क्योंकि टेन में पी आता है, टेन में पी आता है और सेक में क्या आता है आप सभी का एच आता है, क्योंकि आपको पता है सेक में क्या आता है, तो आप बोलेंगे भैया सेक में कुछ नहीं आता है भैया, आप बोलेंगे भैया यहां पर सेक में एच बाई बी आता है और इसमें पी बाई बी आता है, तो बेस तो दोनों में सेम है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सेक में एच है और टेन में पी है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है अंडर रूट थ्री बाई टू, हमारा सीधा सीधे आंसर। कुछ भी आप सभी निकाल सकते हो। एक सवाल मैं और लूंगा इसको मिटाते हैं, एक सवाल मैं और लूंगा इसको भी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अगर मान लो आप सभी को एग्जामिनर एक सवाल, जितने भी सवाल करवा रहे हैं सारा सवाल एग्जाम में आया हुआ है, अगर मान लीजिए आप सभी को दिया गया है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर सात प्लस चार अंडर रूट तीन, ठीक है ना, और आपसे एग्जामिनर क्या बोल दिया ना बाबू हमें sec थीटा का मान बताइए, tan थीटा का मान बताइए बाबू, sin थीटा का मान बताओ बाबू, cos थीटा का मान बताओ बाबू, cosec थीटा का मान बताओ। अब आप बोलेंगे भैया इतना चीज दिया गया है और इतना हमसे पूछा है, निकल जाएगा। अरे बाबू कुछ भी निकल जाएगा, जब भैया आपको बता चुके हैं चौथे क्लास से मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, सबका औकात है बना लेगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर इतना बराबर इतना दिया गया है ये पूछा है तो आगे स्टेप में बढ़ेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे फिर रेशनलाइज करेंगे ये निकल कर आएगा, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया sec थीटा और tan थीटा अंतर देख लेना एक है कि नहीं, तो अंतर एक है, सात का स्क्वायर 49, चार का स्क्वायर 16 और ये तीन बन जाएगा 16 3 48, तो 49 माइनस 48 का अंतर कितना एक है, तब तो सवाल बहुत आसान हो गया। sec थीटा निकालेंगे तो ये निकालने के लिए क्या कर, दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 14/2 करेंगे तो sec हमारा 7 निकल जाएगा, tan हमारा क्या निकल जाएगा
टेन में ये दोनों कट जाएगा बाबू, ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। तो आप बोलेंगे दोनों को जोड़ेंगे भैया क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है चार चार आठ, इसको आधा करेंगे तो क्लियर नजर आ रहा है चार अंडर रूट थ्री। आप, मैं वही बोल रहा हूं बार बार, एक ही चीज बता रहा हूं बार बार कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर कभी भी अगर अंतर एक आए तो सीधे बोलना sec थीटा बराबर सात और tan थीटा बराबर इतना होता है। किसी को प्रॉब्लम है क्या इतना देर तक समझने में? अगर मैं बोलूं sin थीटा बराबर क्या होता है तो आप बोलेंगे p by h होता है भैया, लंब बटा कर्ण होता है। अगर लंब बटा कर्ण होता है, लंब किस में आता है? tan में आता है। तो इसका हो जाएगा चार अंडर रूट तीन बटा सात tan का मान। अगर मैं बोलूं बाबू एक बात बताओ cos का मान बताइए आप सभी, तो आप बोलेंगे cos क्या होता है भैया, तो ब्लू पेन कहां है, तो आप बोलेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या होगा, आधार तो एक ही होगा ना, आधार एक होगा तो एक बटा, और कर्ण क्या है ये सात है तो एक बटा सात। और साइन का ठीक उल्टा, साइन का ठीक उल्टा कॉसेक होता है, आपको मैंने बताया था ना पहले क्लास में, इसको अगर ये साइन पी बाई एच है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। उल्टा करो बाबू तो आप बोलेंगे सात चार अंडर रूट थ्री होगा। देख रहे हैं ना आप सभी कैसे सवाल इतने तेजी से बन रहा है, कुछ नहीं है, सभी का औकात है, सभी बनाकर फेंक दोगे, फाड़ कर फेंक दोगे यार। अगर ये पांचवा क्लास है, मैं जान मुझकर ये चैप्टर करवा रहा हूं, वरना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज टाइम एंड वर्क पाइप टंकी ये सब चैप्टर तो मैंने आपको हजारों बार पढ़ाया है, और इसका और जो भी चैप्टर के मैं नाम ले रहा हूं अर्थमैटिक का अंकगणित का, उसके चैप्टर का कैसा भी सवाल हो, सीजीएल के मेंस लेवल तक का सवाल मैंने आपको करवाया है पूरे कंसेप्ट के आधार पर। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूं जिस चैप्टर से जिस पार्ट से बच्चे भागते हैं, बच्चे करते नहीं है, बोलते हैं डर लगता है भैया, उसी डर को दूर करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। पांचवा क्लास है, अभी सात आठ क्लास करवाने के बाद एक हल्का सा रिवीजन टेस्ट लूंगा और लाइव लूंगा, लाइव आकर लाइव में आपको बताना है आंसर क्या होगा। उस दिन मत बोलिएगा भैया नहीं आ रहा है, अगर जैसे ही आप बोलते हैं कि भैया नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने आपको मैथ समझ में नहीं आता, ये प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में आज के डेट में प्रॉब्लम समस्या क्या है, समस्या ये नहीं है कि आपको मैथ नहीं आता है, मेन समस्या ये है ना कि आप मैथ को सीखना नहीं चाहते हैं, और बिना मैथ सीखे आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते। एक तो दिमाग में आएगा भैया मैथ हमको समझ में नहीं आता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप पांचों पार्ट उठाकर देख लो और ऊपर से वो पार्ट जिससे बच्चे भागते हैं, आप बोलोगे भैया गंगा जी के पानी की तरह पूरा समझ में आ रहा है। जब समझ में आ रहा है तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आपको मैथ समझ में जरूर आ रहा है, आप मैथ से भाग रहे हो। और एक थ्योरम है, एक सिद्धांत है पढ़ाई के मामले में, सरस्वती मां से जितना दूर भागोगे ना वो उतना दूर भागेगी, और जितना पढ़ोगे उतना नजदीक आओगे, ठीक है ना। चलो ये चीज आपको समझ में आया ना, एक चीज दिया हो तो सब चीज कैसे निकाल सकते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, थोड़ा इसको देखिए तो आप सभी, अगर थोड़ा इस पर आप थोड़ा नजर गराइएगा, अगर आपको बोला है ध्यान से ये थोड़ा सा अलग है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर तीन प्लस अंडर रूट सात, ठीक है ना। और आपको बोला क्या है sec थीटा का मान बताइए tan थीटा का मान बताइए, कुछ भी पूछ देगा। अब यहां पर ये सवाल बहुत आसानी से नहीं बनेगा, ये सवाल बहुत आसानी से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भैया, क्योंकि आप ये देखो एक बार चीज ध्यान से कि इन दोनों का अंतर एक आ रहा है क्या, आप बोलेंगे अंतर एक नहीं आ रहा है भैया। कैसे एक नहीं आ रहा है, जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा तीन माइनस अंडर रूट सात, नीचे भी दो यहां पर भी दो,
ये निकल कर आएगा कैसे भैया, देखो बाबू एक एक स्टेप समझा रहे हैं। अगर मान लो ये sec थीटा है और ये माइनस tan थीटा है, समझिएगा माइनस tan थीटा है, मैंने बताया था ये प्लस हो ये माइनस, इसको ठीक उल्टा करते हैं, जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 3 + √7, और जब इसको रैशनलाइज किया जाएगा तो यहां से आप बोलेंगे भैया ये ऐसे होगा ना, मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा मेरा भाई। उसके बाद मैंने अगला स्टेप क्या सिखाया है, आपने सिखाया है ना भैया ऐसे करने के लिए, मैं बोलूंगा सिखाया तो बहुत बेहतरीन चीज है। उसके बाद क्या करेंगे, आपने बोला है भैया ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा ही रहेगा और नीचे में क्या आएगा, तो ये वाला क्या है, ये वाला a प्लस बी है और ये वाला a माइनस बी है, ये फॉर्मूला किसका है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और यहां पर अगर मैं बोलूं एक बात आपको, 7 का स्क्वायर अंडर रूट 7 करेंगे तो 7 ही होगा, तो 9 - 7 क्या होगा, 2 होगा ना, तो इसको सीधे सीधे जब करेंगे रैशनलाइज तो इसको एक बार में लिख सकते हैं ऐसे, यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं 3 √7, यहां पर 2 और यहां पर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कभी भी पहले क्या करना, देखना अंतर एक है कि नहीं, अगर अंतर डिफरेंस एक आता है तब तो सवाल चुटकी में बनेगा, जो मैंने आपको नमूना दिखाया, अगर अंतर एक नहीं आता है तब कैसे करते हैं वो भी बता रहे हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा टफ है, नहीं बनने के चांसेस है, लेकिन आप बोलेंगे भैया हार्ड सवाल भी आप पानी पानी कर दे रहे हैं। एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं बाबू sec थीटा का मान क्या होगा, तो मैंने बोला है दोनों को प्लस कर बट्टा दो कर दो, दोनों को प्लस कर बट्टा दो कर दीजिए। अब आप बोलेंगे भैया प्लस 2 - इसका करें कैसे, देखो बाबू एक बार अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, 3 + 3/2 करते हैं तो क्या होगा, तितिरी के 3 × 6 + 3 = 9/2, और नीचे भी 2 आता है तो क्या होगा 9/4। अब इसको भी तो प्लस करना है, तो इसको प्लस कैसे करेंगे भैया ये भी बता दीजिए, लेकिन यहां पर भैया माइनस है ना, तो माइनस होगा √7 - √7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या बोलेंगे भैया, यहीं पर आप चीज को, आप सभी को जो है वो चीज समझना है, यहीं पर आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से चीज समझना है, इसका गुना इससे करेंगे तो 2 √7 - 7/2 होगा, और नीचे में -2 होता है तो इससे कटेगा तो 1/7 आएगा, यानी क्या होगा √7/4। तो इसको एक बार में क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार में लिख सकते हैं भैया ऐसे, यानी sec का मान क्या आ गया 9 - √7/4। एक बार और ध्यान से समझाऊंगा एक बार, क्योंकि ये वाला चीज बहुत जन को अभी समझ में नहीं आया होगा, पहली बार है ना, दोबारा समझिएगा एक बार। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो पहले इसको करते हैं तो क्या होगा, और प्लस करने के बाद भागा 2 भी देना है, तो अगर इसको करे तो क्या होगा, अभी भागा 2 नहीं दिए पहले वाले में, 2 देंगे तो 3 × 6 + 3/2, तो क्या होगा 9/2। अब इसको भागा 2 देना है तो क्या बन जाएगा 9/4। अभी ये पूरा नहीं निकला है, अभी इसको भी करना है, तो इसको भी कर लीजिए √7 - √7/2। अब इसका गुना जब इससे करेंगे तो ऐसे उतरेगा ना, यानी 2 है, यानी 2 वो √7 है और ये −√7/2, और ये एक भाग भी देना है 2 से, यानी इसके जगह पर एक 4 बन गया, और 2 √7 से 1 √7 घटाएंगे तो क्या बचेगा √7 - 4, माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं √7/4, और इसको एक बार में क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार में बाबू लिख सकते हैं 9 - √7/4। भैया ये वाला ना बहुत टफ लग रहा है बाबू, टफ तो है, आप ये बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, 90% लोगों को ये सवाल नहीं आता है, और आपका मैथ कमजोर है मैं मानकर चल रहा हूं,
अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप मैथ से डरते हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ बिल्कुल नहीं है कि भैया हमको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप मैथ से डर रहे हैं। यानी आप अभी टॉप 10% में, सिर्फ 10% बच्चों में है, ठीक है। तो सेट तो निकल गया, अब बाबू हम थोड़ा टेन निकालते हैं। टेन कैसे निकलेगा भैया? तो टेन में हमको बताए हैं भैया माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो 3, 3/2, तो इसको क्या होगा, ये हो जाएगा 6 - 3/2, तो ये 3/2, और ये 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। ये चीज समझ में आ रहा है ना, ये माइनस हो रहा है। अभी टेन के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहां पर 3/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। चलो भाई अब माइनस करना है तो प्लस माइनस, माइनस को चेंज करेंगे प्लस होगा। अब क्या करना है, अंडर रूट 7 और क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अंडर रूट 7/2। अभी भागा नहीं दिए, अभी देंगे, तो इसको जब इससे करेंगे तो क्या होगा, 2 √7 प्लस √7/2, अब भागा दो तो 2, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इसको एक बार में लिख सकते हैं 3 √7/4, यानी tan का मान क्या हो जाएगा, नीचे 4, एक 4 पकड़ लीजिए पूरा, प्लस 3 √7। ये सवाल है हमारा, सभी को आई थिंक ये सवाल क्लियर हो गया होगा। और एक बात, मैं क्लास स्टार्ट करवाते एक चीज बोल दिया था कि 1 + tan²θ = sec²θ पर जितने भी सवाल बन रहे हैं, डिटो सवाल वो किस पर बनेंगे, 1 + cot²θ = cosec²θ, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, जितने सवाल इस पर बन रहे उतने सवाल उस पर बनेंगे, तो उस पार्ट को, उस भाग्य को मैं अलग से नहीं करवा रहा हूं। ये आप समझ गए ना, अगर सवाल जब आएगा, जब मैं आपका टेस्ट लूंगा तो वो सवाल मैं आपको दूंगा, तब बताऊंगा कि मैंने एक फॉर्मूला से बहुत सारे सवाल आपको करवाए थे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जितने भी मेरे भाई बहन है एक ध्यान दीजिए। तो अगर मान लीजिए ना, एक बात ध्यान से, अगर आपको बोल दे sec²θ - tan²θ = 13/17 दिया गया है, और आपको निकालने के लिए क्या बोला है, sec²θ + tan²θ क्या होगा, तो मैं बोलूंगा ना आप सभी को, आंख बंद कर कर एग्जाम में मार कर आइएगा 13/17। अगर ऐसा दिया है और ये पूछ दे तो आंख बंद कर कर सेम होता है। अभी मैं जब लॉजिक समझाऊंगा ना तो आप बोलेंगे ओहो बिल्कुल भैया वही चीज तो है। समझिएगा, अगर ये चीज दिया गया है तो ये दिया गया किस में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, तो आप बोलेंगे भैया इसको a + b² के फॉर्मूला में लिख सकते हैं, sec tan²θ, ठीक है ना, ये हो गया a + b और a - b, समझ में आ रहा है क्या। अगर ये चीज 4 में दिया गया है तो a + b a - b = इतना, और आपको पता है कि sec²-tan²θ = 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, और जब 1 का गुना इससे करेंगे तो बराबर इतना बराबर तो वही आएगा ना, तो इतना के बराबर हम 13/17 नहीं बोल सकते हैं। अब बताओ, सोचिए, आप रट लेना मैं क्या बता रहा हूं, इसको एक बार और मिटाकर दोबारा समझाते हैं। अगर ये चीज दिया गया है और आपको मैं बार बार बता रहा हूं a²-b² क्या होगा बाबू, a + b a - b, अगर इस चीज को आप सभी समझ रहे हैं तो इस चीज को भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी समझ रहे होंगे। अगर ये चीज दिया गया है तो a² + b² a²-b² तो एक बार इसके ऊपर थोड़ा आप नजर डालिए, तो इसको देखिए और इसको देखिए, एक जैसा लग रहा है क्या, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। अगर एक जैसा लग रहा है
तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़िए, तो आप बोलेंगे तोड़ते हैं भैया, तो कैसे तोड़ेंगे बाबू, सेक स्क्वायर थीटा उसके बाद प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ए प्लस बी उसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और आपको पता है इसका मान एक होता है, और जब एक का गुना इससे करेंगे तो इतना बराबर उतना होगा, तो इतना बराबर इतना होगा होगा। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, अगर ये दिया गया है तो ऑटोमेटिक इसके बराबर इतना होगा। अब थोड़ा मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा इसी में, एक बार और ध्यान दीजिएगा। हां, अगर इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, इसको ऊपर भी मिटा दिए, ये वाला भी, 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 अगर आपके एग्जाम में ये स्क्वायर दिया है और ये दिया गया है प्लस और यहां पर बोला है ऐसे निकालने के लिए, तब भी आंसर सेम ही होगा, तब भी आंसर सेम ही होगा, ये चीज आप नोट कर लेना। और यहां पर अगर माइनस है और यहां पर प्लस है तब भी आंसर सेम ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, दूसरे क्लास से बता रहा हूं, तीन गो आइडेंटिटी है, इसको ना गांठ बांध लो या रट्टा मार लो, अपने नस में ना घुसा लीजिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्या क्या है भैया, पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है, पहला वाला, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तीसरा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसमें दो चीज मैंने बताया है, जो बाकी के दो फॉर्मूला है ना, जितना भी क्वेश्चन सेक और टेन पर बन रहा है, सेम क्वेश्चन जो है आपका कॉट और कॉसेक पे बनेगा। चीज समझ में आया ना, आगे एक एक चीज को पानी के तरह समझते हुए चलिएगा, ताकि प्रॉब्लम किसी को भी ना हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए यह चीज तो आप सभी समझ गए होंगे, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, तो अगर मैं आप सभी को क्वेश्चन ये वाला एक बार थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, अगर मैं आप सभी को एक बात बोलूं, मामू मान लो ना ये दिया गया है sec स्क्वायर थीटा, अभी आपको डर लगेगा, अरे डरने के लिए नहीं बोला है कि आप सवाल को देखकर डरो, आपका डर को भगाने के लिए सवाल करवा रहे हैं, और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर एग्जाम में सवाल बहुत जल्दी होता है, विश्वास मानिएगा। एक बार देखिएगा आप सभी, अगर आपको इतना दिया गया है, अभी डरना मत कि भैया बहुत हार्ड लग रहा है, अरे हम है किस लिए, ठीक है ना, डर भगाने के लिए, ताकि आप कुछ सीख पाओ। अगर ये दिया गया है प्लस दिया गया है टेन फोर थीटा और बराबर में दिया गया है सेक एट टेन एट थीटा बराबर तेरह बट्टा सोलह, और आपसे बोला क्या है, अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, ये सवाल तो भैया बहुत हार्ड लग रहा है, भैया सवाल दिखाओ सवाल दिखाओ, अरे सवाल देखिए तो सेक सोलह थीटा माइनस टेन सोलह थीटा, अरे भैया आप मजाक कर रहे हैं क्या, ये सवाल को एक बार देखिए तो, और ये देखिए तो, आप बोल रहे हैं बच्चों की तरह बनेगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल, कैसे भैया, अगर एग्जाम में सवाल आ गया ना, आप बोलेंगे अरे गुरुजी यहां पर तेरह बट्टा सोलह करो और आगे बढ़ो, आप बोलेंगे भैया आपको तो पता है तो आप करवा दिए, थोड़ा समझा भी दो तो कि आंसर सेम कैसे होगा। तो आइए समझते हैं, यहां पर देखिएगा, यह चीज आपको दिया गया है और ये चीज आपको निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये चीज है ना, अब क्या भैया, भैया ये होगा, अब अगर एक से गुना करें, अगर बराबर के इधर को एक से गुना किए हैं तो इधर भी एक से गुना करेंगे, ये तो सबको पता है लॉजिक, ये तो सबको पता है ना, कैसे भैया, अगर मान लो ना बाबू ये चार दिया गया ये आठ दिया गया है, अगर इधर दो से गुना किए इधर दो से गुना करिए तो कुछ अंतर पड़ा क्या, कुछ अंतर नहीं पड़ा भैया, दो दो कट जाएगा, अल्टीमेट एक है, अगर इधर हम तीन से गुना किए तो इधर भी तीन से करना पड़ेगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो अल्टीमेट आंसर सेम है। लेकिन भैया यहां पर आप वन क्यों किए, क्या कारण है बाबू, कारण ये है ना, क्योंकि मैं आपको बार बार समझा रहा हूं
कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, इसीलिए मैंने इतना किया है। एक के जगह पर ये लिख सकते हैं, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भैया आप बता चुके हैं एक का मतलब ये होता है, जब इसका गुना इससे करेंगे, इसका गुना इससे करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखो एक बार, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो निकल कर क्या आएगा बाबू, आप बोलेंगे भैया किसका फॉर्मूला है, अभी तो समझाए थे ना ये वाला चीज, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा भैया अब तो क्लियर हो गया, अगर इसका गुना इससे किया जाए ना तो ये चीज निकल कर आएगा, हम बोलेंगे बिल्कुल, तो इसको एक बार में बाबू आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे भैया इसको लिख सकते हैं ना, आप एक काम करिए भैया इसको एक बार में लिख दीजिए sec 4 थीटा और माइनस tan 4 थीटा, मैं बोलूंगा क्या बात है भाई, बहुत लाजवाब, इतना समझ गए क्या। अब भाई इसका गुना जब इससे करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, जब इन दोनों का गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा। अच्छा भैया ये इसका है क्या, ये इसका है क्या भैया a प्लस बी एम, अरे क्या बात है मेरा भाई, बिल्कुल जब इसका है भैया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको पूरा गुना करेंगे ना आप, इसको जब आप पूरा गुना करिएगा तो ये निकल कर आएगा sec 8 थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा बाबू और जब इसका गुना इससे करेंगे ना, और जब इसका गुना इससे करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये वाला निकल कर आ जाएगा, यानी सवाल इतना बड़ा था और मैंने इस फॉर्म में ला दिया, जब इतना बराबर ये है तो इतना बराबर क्या होगा 13/16, तो अल्टीमेट समझ पाए ना आपको एग्जाम में करना क्या है, अगर इतना दिया हो तो इतना पिक्चर दिखाने का जरूरत नहीं है, सीधा बोलेंगे आंसर सेम होगा, क्लियर ना। आइए इसको मिटाते हैं, एक चीज और देखिएगा, और एक बात मैंने पहले बोला है, बहुत दिन से सभी बोल रहे थे भैया सारा पार्ट अपलोड कर दो, तो एक एक कर कर पार्ट आएगा, ये पांचवा पार्ट है, छठा पार्ट भी कुछ कंसेप्ट के साथ मैं आपके, और हाँ थीटा का मान कैसे भैया कभी कभी हमको सुनाई दिया है ना, बहुत सारे जो बच्चे पढ़ने में तेज है, यार पढ़ने में तेज कोई नहीं होता है, पढ़ने में तेज कोई नहीं होता है, आप मेरे बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे मेरा मैथ में कितना नंबर आया था, तो बहुत जन को पता है जो हमसे स्टार्टिंग में जुड़े हुए थे कि जीतू भैया का क्लास 10 में मैथ में आया था 39 नंबर, पता है ना, लेकिन आज मैं आप सभी को मैथ ही पढ़ा रहा हूं, तो भैया आप क्लास 10 के बाद अचानक से जीनियस हो गए क्या, अचानक से जीनियस कोई नहीं होता है, जितना मेहनत करेंगे सही तरीके से ना आप उतना सीखते चले जाओगे, तो ये जीनियस जीनियस कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप मेहनत करते कितना है, अब मेहनत करेंगे नहीं और सोचेंगे मुझे ये हो जाए वो हो जाए ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ बहुत बड़ा बेईमानी कर रहा है खुद के साथ, और खुद की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं मम्मी और पापा का भी नाम जुड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत सपना देख रहे हैं आपके बलबूते, तो कहीं ना कहीं बिना मेहनत का तो कुछ मिलना बहुत मुश्किल है, तो मेहनत करना पड़ेगा, एक बार मेहनत करो गिरोगे भी ना तो पता चलेगा दुनिया में कहां कहां आप गिर सकते हैं, आप कैसे संभल सकते हैं, गिरेंगे नहीं तो संभलना सीखेंगे कैसे, और मान लो एक बार में अगर रिजल्ट आ भी गया संभल भी गए तो दुनिया बहुत बड़ा है, आगे फिर गिर जाओगे, तो गिरना बहुत जरूरी है ताकि आपको एहसास हो कि संभला कैसे जाए मुश्किल वक्त में, ठीक है ना। एक चीज और देखिए आप सभी, यहां पर एक चीज और देखिएगा, अगर मैं आप सभी को बोलूं एक बात ध्यान से देखो, आप सभी को बोला है 4x बराबर sec थीटा, ठीक है ना, और बोला है 4/x बराबर tan थीटा, ठीक है ना, उसके बाद बोला है 8x स्क्वायर, इसका मान बताइए। अब आप बोलेंगे बहुत लोग भैया ये क्वेश्चन तो विश्वास मानिए हार्ड लग रहा है, मैं बोलूंगा घंटा हार्ड लग रहा है, कुछ हार्ड नहीं है,
आपको तो मैंने बता दिया है भाई, क्या बताएं भैया आप, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, बताए हैं भैया आप यही चीज तो बता रहे हैं। अरे भाई तो बस बाकी क्या रह गया है, और जितना भी क्वेश्चन sec tan पर बन रहा है उतना ही क्वेश्चन 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर थीटा पर बनेगा, ठीक है। अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये बनेगा ना, एक बार ध्यान से आप सभी देखो, तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अगर इन दोनों को माइनस किए तो क्या बनेगा, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये बन गया माइनस करने के बाद, और बराबर क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16 स्क्वायर ये होगा ना, और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस करना है तो 16 बटा एक्स स्क्वायर मानिए, यानी इतना बराबर इतना हो गया भैया, इतना बराबर भैया इतना हो गया। अच्छा भाई इतना हो गया और इसका मान क्या होता है, अरे भैया इसका मान जो है ना वो एक होता है। अच्छा बाबू इसका मान एक होता है, बहुत बढ़िया, तो 1 बराबर इतना, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 को कॉमन ले लीजिए, जब 16 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा ना। चलो तो भैया इतना बराबर क्या दिया गया है, इतना बराबर 1 दिया गया है, चीज समझ में आ रहा है ना, तो इतना बराबर, अब अच्छा भैया यानी इतना बराबर 1 है, इतना बराबर 1 है, लेकिन पूछा तो भैया ये है हमसे ना, तो प्रॉब्लम आ कहां रहा है, इस 16 को, अच्छा एक बात बताइए तो इस 20 को हम 5/4 लिख देंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख देंगे, अच्छा इस 30 को हम 5/6 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इस 16 को हम 8×2 क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप बोलेंगे भैया लिख दो, चलो लिख दिए, जब लिख दिए तो ये 2 जो है वो इधर आ जाएगा 1 के बराबर, तो हम बोल सकते हैं इतना बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी इसका मान पूरा क्या आ गया, इसका मान 1/2 आ गया, समझ में आ रहा है ना, चीजें समझिएगा। मैं ना एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं अचानक से एक का क्वेश्चन बहुत टफ लिया था, मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप सिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, अगर मैं डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप डर कर भाग जाएंगे मुझे गाली देकर, इसीलिए मैं ना आपके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा हूं और आहिस्ता आहिस्ता सवाल डाल रहा हूं ताकि आप सवाल को लेते भी रहो और सीखते भी रहो। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये हमारा 5वां पार्ट था, 6ठा पार्ट कल शाम को 4 बजे आप सभी को मिलेगा, ठीक है ना, बाकी क्लास। और हाँ बहुत जन बोल रहे थे भैया अपना कोर्स वगैरह कब लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में अभी मैं सोच रहा हूं, ज्यादा नहीं सोच रहा हूं, मैं बस यही सोच रहा हूं कितना आप सभी को मैं यहां पर पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूं, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ो। और एक बात और, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल वगैरह चल नहीं रहा है, और बहुत जन बोलते हैं भैया काश हम लोग क्लास 8 और 10 में ना ऐसे पढ़ लेते ना तो आज हमको ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो जिनके भी घर में छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, 9 में 10 में 11 में 12 में ना, आप उनको भी सिखा सकते हैं पढ़कर, ऐसे मैंने आपको सिखा रहा हूं कि आप भी एक टीचर बन सकते हो मेरे साथ साथ, आप भी पढ़कर अपने भाई बहन को पढ़ा सकते हो, और आपका भाई बहन ना आपको बोलेगा भैया मजा आ गया, स्कूल में हम लोगों को कोई भी ऐसे नहीं सिखाया जो मेरा बड़ा भाई सिखा रहा है, बड़ा भाई मतलब आप, तो आप भी पढ़कर अपने भाई बहन को ऐसे सिखा सकते हैं, ठीक है ना। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है, शेयर करिएगा मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए